आज हम लोग हिंदी साहित्य के जाने माने कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध के जीवन दर्शन और उनकी काव्य दृष्टि का अध्ययन करेंगे। किसी भी परीक्षा में जब यह प्रश्न आता है तो हम इन बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर लिख सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद गजानंद माधव मुक्तिबोध जो कि मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां, इनका व्यक्तित्व, इनकी यायावरी प्रवृत्ति। यायावरी प्रवृत्ति मतलब घुमक्कड़ स्वभाव, विद्रोही व्यक्तित्व, मार्क्सवादी दर्शन में गहरी आस्था, सौंदर्यानुभूति और जीवनानुभूति में इनकी क्या सौंदर्यानुभूति थी, इनकी क्या जीवनानुभूति थी, इनकी आस्था किस प्रकार की थी, कवि की प्रतिबद्धता, कवि का जो कमिटमेंट है किन चीजों के प्रति था, कविता और राजनीति, राजनीति और कविता के संबंध में इनका क्या विचार था, नवीन जीवनानुभव और नवीन जीवन दृष्टि, जीवन के प्रति इनकी नवीन दृष्टि थी, कैसा दृष्टिकोण था, और अंत में निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 को हुआ। सन 1938 में इन्होंने होलकर कॉलेज इंदौर से बीए किया हिंदी साहित्य के साथ। सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके 4 वर्ष बाद सन 1958 में वे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव कॉलेज है, वहाँ पर वे दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक हो गए और अंत तक वहीं रहे। 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मतलब प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच में वह गैप नहीं था, इस गैप को भरने का काम किया था गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये कवि थे, आलोचक थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास है, इसको आप अलग अलग किताबों में जाकर देख सकते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार समस्या इनका इनकी समीक्षा ग्रंथ है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, यह सभी इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आलोचना ग्रंथ हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब कविता संग्रह हैं। एक साहित्यिक की डायरी, कांट का सपना, विपात्र, सता से उठता आदमी, मेरे युवजन, मेरे परिजन, भारत इतिहास और संस्कृति, और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे आदि, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, काट का सपना, विपात्र, सता से उठता आदमी, मेरे युवजन, मेरे परिजन, भारत इतिहास और संस्कृति, और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे आदि हैं। और भी कुछ रचनाएं होंगी, आप ढूंढ सकते हैं। इनका व्यक्तित्व तो कैसा था, इनकी पर्सनालिटी कैसी थी, यह देखते हैं। मुक्तिबोध की जिज्ञासा अत्यंत तीव्र और अध्ययन व्यापक था। बहुत ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव के थे और बहुत ज्यादा पढ़ाकू स्वभाव के थे। बहुत ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा भी बहुत थी, नई नई चीजों को जानने की बहुत इच्छा थी। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी उपन्यास भी खूब पढ़े। जीवन के अंत में उनकी रुचि जासूसी और वैज्ञानिक उपन्यासों की ओर बढ़ गई थी। विभिन्न देशों का इतिहास और विज्ञान विषयक साहित्य भी इन्होंने खूब पढ़ा। मतलब खाली लिटरेचर बस नहीं पढ़ते थे, अलग अलग देशों का जो इतिहास है और विज्ञान साइंस से रिलेटेड जो साहित्य है वो भी वह पढ़ा करते थे। सन 1962 में उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति नाम की जो उनकी किताब थी, 1962 में जो प्रकाशित हुई थी, उस पर
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे योद्धा का व्यक्तित्व रखने वाले मुक्ति बोध को बहुत आघात पहुंचा था। ये विद्रोही स्वभाव के थे, क्रांतिकारी स्वभाव के थे। अब इनकी किताब में कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल लगा होगा सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन, उस पर रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। मुक्ति बोध को क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाला योद्धा कहा गया है। वे गहरे अर्थ में रिबेल थे। इन्होंने जीवन के हर अपूर्ण पहलू के प्रति जोरदार निषेध प्रकट किया। उनका दुर्धर्ष व्यक्तित्व किसी प्रकार का अन्याय या शोषण नहीं कर सकता था। मूलतः ये मार्क्सवादी थे, और जैसे मार्क्सवाद के अंतर्गत शोषकों का विरोध किया जाता है और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखी जाती है। समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो सर्वहारा वर्ग हैं, उनके प्रति मार्क्सवाद में सहानुभूति रखी जाती है। प्रगतिशील प्रगतिवादी कविता में इनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगतिशील कवि हैं, इसीलिए इनका व्यक्तित्व तो क्रांतिकारी था। ये किसी प्रकार के भी शोषण, अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं कर पाते थे, और उसे ही अपने कविताओं में, अपने लेख में, अपनी आलोचना ग्रंथों में अभिव्यक्त करते थे। उन्होंने अपनी निजता और विशिष्टता के लिए बंधी बंधाई सरहदों को तोड़ा। वे जीवन पर्यंत एक ही समस्या को लेकर चिंतित थे। मतलब उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन पर भोगे गए यथार्थ का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि जो सामाजिक यथार्थ है, मतलब उनका यह मानना था कि कवि का एक सामाजिक दायित्व तो भी होता है, और कवि का सामाजिक दायित्व तो ही उसकी निजी अनुभवों से बढ़कर होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कबों में। मतलब भारत के प्रत्येक गांव में, भारत के प्रत्येक शहर में वे यह चाहते हैं कि सभी मानव सुखी हों, सुंदर हों, शोषण मुक्त हों। तो मार्क्सवादी विचारधारा है मुख्य रूप से। मुक्ति बोध के कवि व्यक्तित्व में धारदार प्रखर ईमानदारी मिलती है ना। बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता में ईमानदारी है और इनका व्यक्तित्व बहुत धारदार है। कहीं कोई लाग लपेट नहीं, खरे शब्दों में खरी बात कहने की आदत है। जब आप इनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि बहुत ही सहज और सरल भाषा में और बहुत ही खरे खरे शब्दों में उन्होंने अपने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी रचनाओं में एक सचेत, जागरूक, संवेदनशील भारतीय आत्मा का स्वर है, जो न प्रलोभन से और न ही भय से समझौता करता है। सच कहने में उन्हें कभी झिझक नहीं हुई। मतलब वे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी भी प्रकार का समझौता करना नहीं चाहते थे, न सरकार से, न राजनीति से, न किसी प्रकार से। और इसीलिए उनका उनकी जो अभिव्यक्ति है उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रखरता है। कविता का सबसे बेचैन, सबसे तड़पता हुआ और सबसे ईमानदार स्वर है। वे मात्र अर्थ ग्रहण की मांग नहीं करती, आचरण की भी मांग करती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का यह सेंटेंस है। गजानन मुक्तिबोध के बारे में हम यह कह सकते हैं कि उनकी कविता बहुत ही बेचैन कविता है। उनके अंदर एक बेचैनी है, एक तड़पता हुआ सबसे ईमानदार स्वर है। तो इनकी जो कविता है वे सिर्फ अर्थ ग्रहण का मांग नहीं करती कि आप पढ़कर उसको समझ जाए, बल्कि आचरण का भी मांग करती है। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि हम उसको पढ़ लिए और परीक्षा में लिख कर आ गए, उसको हमको अपने आचरण में भी उतारना है, आचरण में उतारने का मांग करती हैं। उनकी कविताएं सरस नहीं है, सुखद नहीं है। आप देखे होंगे कि जब गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती, बहुत अच्छा नहीं लगता, कोई लय तुक छंद का तालमेल नहीं दिखाई देता। प्रगतिवादी कविताएं सरस भी नहीं है, सुखद भी नहीं है, हर तरफ अंधकार है, एक रहस्य है। वे हमें गुदगुदाती नहीं है बल्कि झकझोर देती हैं। जैसे अंधेरे में कविता है, लकड़ी का रावण है, तार सप्तक, तार सप्तक में जो इनकी कविता प्रकाशित हुई थी, तार सप्तक में, जिसके तार सप्तक नाम का एक कविता संग्रह है, उसमें इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। उसमें मुक्तिबोध ने स्वयं कहा है, मेरी कविताएं अपना पथ खोजते बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं, उनका सत्य और मूल्य उसी जीव स्थिति में छिपा है। वो कहते हैं कि मेरी कविता में एक बेचैनी है और मेरी हर कविता एक नए रास्ते का तलाश करती है, और एक ऐसे मन की व्यक्ति है जिसे रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है। मतलब हमारे जीवन की जो विडंबना है, हमारे मन में चलने वाले जो अंतर्द्वंद है, यही इनके कविताओं में दिखाई पड़ती है कि हमारे जीवन की जो जटिलता है वो उसको दूर करना चाहते हैं, एक नए रास्ते का तलाश करना चाहते हैं, और उनका सत्य और मूल्य उसी जीव स्थिति में छिपा हुआ है। और उन कविताओं का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो कविताओं का जो सत्य है, वो लाइफ सिचुएशंस में छुपा हुआ है। हमारी जिंदगी में जो आने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो उसमें समस्या है तो उसका समाधान भी उसी में छुपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं हैं। यायावरी प्रवृत्ति, यायावरी मतलब जो व्यक्ति निरुद्देश इधर उधर घूमते रहता है,
प्राय जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, चाहे उद्देश्य पूर्ण हो चाहे निरुद्देश्य हो, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, घुमक्कड़ स्वभाव को बोलते हैं याजावरी प्रवृत्ति, यहाँ वहां घूमना। मुक्ति बोध के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण रहे हैं याजावरी प्रवृत्ति, याजावर रहे, घुमक्कड़ रहे, घुमक्कड़ स्वभाव, विद्रोह, सब प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रति विद्रोह करना, अपने स्वास्थ्य सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता। अपने स्वयं के प्रति वे बहुत उदासीन रहते थे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे, उदासीन रहते थे। समझौता न करना, कुछ हद तक अड़ियल जिद्दी स्वभाव था, मतलब वे अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करते थे, बहुत जिद्दी थे, बहुत अड़ियल स्वभाव थे। प्रतिबद्धता और ईमानदारी, क्योंकि वे जो कवि का जो दायित्व है, एक प्रोफेसर का जो दायित्व है, उसके प्रति वे प्रतिबद्ध रहते थे, बहुत ईमानदार रहते थे। आत्म केंद्रित वृत्ति, मतलब इंट्रोवर्ट स्वभाव के थे, अपने अंदर अपने में खोए रहने वाले व्यक्ति थे। मानसिक द्वंद, अपने अंदर उनके मन में एक द्वंद्व चलता रहता था, यह परिस्थिति ऐसी क्यों है, लोगों का शोषण क्यों होता है, लोग दुखी क्यों हैं, शोषित क्यों हैं, तथा अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति आत्मालोचन करना, आत्मभर्त्सना ना करना। और साथ ही उनके अंदर जो उन्हें लगता था कि मुझे ये बुराइयां हैं, मुझ में ये कमियां हैं, उसके प्रति भी वे सचेत रहते थे, आत्मालोचन करते थे, खुद की आलोचना करते थे और खुद की भर्त्सना करते थे, मतलब खुद की समीक्षा भी करते थे वो। ये उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। याजावरी वृत्ति मतलब घुमक्कड़ स्वभाव के कारण वह मध्य प्रदेश के जंगलों, पठारों, बावड़ियों, झाड़ियों से परिचित थे। मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जंगलों में घूमते रहते थे, पठारों में घूमते रहते थे, बावड़ियाँ, कुआं, बावड़ी जो होती है जिसमें पानी भरा रहता है, तालाब टाइप का, गहराई में जाकर बैठना पड़ता है, वहाँ झाड़ियाँ उगी रहती हैं, वहाँ से परिचित थे। मगर उनको तन्हाई पसंद थी, अकेले में जाके ऐसी जगहों में घूमते रहते थे, बियाबान जंगलों में घूमते रहते थे, खंडहरों में घूमते रहते थे। जहां जहां रहे वहां की गलियों, चौराहों, आसपास के खंडहरों को उन्होंने बड़े गौर से देखा तथा उनका वर्णन चित्रण अपनी कविताओं में किया, और इनकी सहायता से कविता के वातावरण को गंभीर, आतंकपूर्ण तथा रहस्यपूर्ण बनाया है। तो वे खाली घूमते नहीं रहते थे, लेकिन जब वो अपनी कविता लिखते थे तब भी, जैसे अंधेरे में कविता है या फिर उनकी अन्य कविताओं को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक रहस्यपूर्ण वातावरण दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, राक्षस दिखेगा, है ना, ब्रह्म राक्षस, अंधेरा, तन्हाई, है ना, और बहुत ही डरावना वातावरण, रहस्यपूर्ण वातावरण वहां पर दिखाई देता है। और यह उन्होंने कहाँ से देखा, अपने जीवन में जो यहाँ वहां घूमते रहते थे, गलियों में, चौराहों में, खंडहरों में, वहां से उन्होंने इसको लिया है। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। दिखता है सामने अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, बरगद देखिए, अंधकार में बरगद खड़ा हुआ है, उसका वर्णन किया है। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर वही छत, उसके ही तल खो अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। आपने देखा होगा कई लोग जो बेघर होते हैं, जिनका घर नहीं होता है, कभी कभी बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अब बरगद में, बरगद के नीचे केवल वो व्यक्ति नहीं, अनिकेत व्यक्ति नहीं, अर्थात जिनका घर नहीं है खाली वो व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत सारे जीव जंतु आश्रय पाते हैं। तो अंधेरे में बरगद के वातावरण, उसके नीचे सोने वाले व्यक्तियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो बहुत ही भयानक टाइप का वातावरण इन्होंने बनाया हुआ है वहां पर। विद्रोही व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व बहुत ही विद्रोही था। वह जन्म से स्वभाव से रिबेल थे, रिबेल मतलब क्रांतिकारी, विद्रोही। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद तथा अधिनायकवाद का उन्होंने सदा तीव्र विरोध किया, क्योंकि उनके तथा उनकी नीतियों के कारण सामान्य जन दुखी है, कष्ट पीड़ित है, यातनाएं भोग रहा है, और चाहते थे कि पूंजीवाद शीघ्र समाप्त हो जाए। क्योंकि यह मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे, इसलिए यह शोषण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य था। ये चाहते थे कि जो पूंजीवादी वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग का जो शोषण कर रहे हैं, मजदूरों और श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, यह बहुत जल्द समाप्त होना चाहिए, पूंजीवाद समाप्त होना चाहिए, है ना। इसीलिए उन्होंने लिखा है, पूंजीवादियों के लिए लिखा है, तेरे हाथ में भी रोग कृमि है उग्र, तुम्हारे हाथ में भी कीड़े पड़े हुए हैं, तेरा नाश तुम पर क्रोध, मुझ पर व्यग्र, मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। कुल मिलाकर इन पंक्ति में वे जो शोषक लोग हैं, जो जमींदार हैं और जो पूंजीवादी जो लोग हैं, उनके नाश की कल्पना की है, कामना की है कि तुम सबका नाश हो जाना चाहिए, मतलब जो पूंजीवाद है उसका नाश हो जाना चाहिए, कोई भी शोषित नहीं होना चाहिए, जो शोषक जो समाज है उनका नाश हो जाना चाहिए। ये पंक्तियां मार्क्स के शब्दों का रूपांतर प्रतीत होती हैं और कवि के आस्थापूर्ण दिल की गहराइयों से निकली हैं। निश्चित रूप से इन पंक्तियों को पढ़कर हमको और मार्क्सवादी दर्शन की याद आती है, और यह कवि के हृदय में जो आस्थापूर्ण, जो हृदय की गहराई से जो उन्होंने महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वहीं से ये शब्द निकले हैं।
मार्क्सवादी दर्शन में इनकी बहुत ही गहरी आस्था थी। तो देखिए इन्होंने मार्क्सवाद को कैसे अपनाया है। मुक्ति बोध के जीवन दर्शन और उनमें कला तथा कविता संबंधी सोच के निर्णायक तत्व रहे हैं। मतलब उनका जो जीवन दर्शन है और कला और कविता के संबंध में उनकी जो सोच है उसके निर्णायक तत्व क्या कह रहे हैं, उनका अपना अभावग्रस्त जीवन, उनके जीवन में जो अभाव था, उनकी पीड़ा, उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और जनसाधारण के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति, उनको सुखी देखने की चिंता, यह उनकी कविता और काव्य के निर्णायक सोच है, मूल तत्व है। शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, विकृत स्वार्थवाद, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, जो मानती है कि समाज की सारी बुराइयों का कारण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा इस क्रूर व्यवस्था का अंत करने के लिए क्रांति की आवश्यकता, सर्वहारा वर्ग में नई चेतना तथा संगठन शक्ति। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उनके जीवन दर्शन, कला तथा कविता संबंधी जो उनकी सोच निर्मित हुई, इन बिंदुओं के आधार पर निर्मित हुई। उसके ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनमें मार्क्सवाद प्रमुख है और जो यह मानता है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी जो शोषित लोग हैं उनके जीवन में जो कष्ट है, उनका क्या मूल कारण क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और इसका नाश होना चाहिए। इसके लिए एक क्रांति की आवश्यकता है, शोषकों के द्वारा, शोषितों के द्वारा एक क्रांति किए जाने की आवश्यकता है, सर्वहारा वर्ग के द्वारा एक क्रांति करने की आवश्यकता है और इसके लिए उनमें नई चेतना जागृत करने, उनमें संगठन शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है। उनके निजी जीवन के कटु तिक्त अनुभवों ने भी उनके जीवन दर्शन को प्रभावित किया। निजी जिंदगी में भी उनके जीवन में जो कड़वाहट आई है ना, कड़वे जो अनुभव हुए उनको, उसने भी उनके जीवन दर्शन को प्रभावित किया था। वह समझौता परस्ती के खिलाफ थे। समझौता परस्ती मतलब जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वह किसी भी बात के लिए समझौता करना नहीं चाहते थे और भारतीय जनता के प्रति अनुराग होने के साथ साथ उनकी शक्ति में उनका अडिग विश्वास था। भारत की जनता के प्रति उनके हृदय में प्रेम था, अनुराग था और सर्वहारा वर्ग की शक्ति में उनका दृढ़ विश्वास था। मार्क्सवादी चिंतन तथा मार्क्स के सिद्धांतों में अटूट आस्था के बावजूद वह हिंदी के अन्य प्रगतिशील लेखकों से इस बात में भिन्न थे कि उन्होंने अपने आत्मानुभवों की कसौटी पर कसने के बाद ही मार्क्स के सिद्धांतों को अपनी अंतरात्मा का अंग बनाया था। अन्य प्रगतिशील या प्रगतिवादी जो कवि थे उन्होंने मार्क्सवाद को ऐसे ही अपना लिया था, उन्होंने उसको अनुकरण किया था, फॉलो किया था, ज़्यादा उस पर विचार नहीं किया था, लेकिन इन्होंने जब मार्क्सवाद को अपनाया तो उसको पहले अपने आत्म अनुभव, अपने निजी अनुभव की कसौटी से उसको पहले कसा। अपने अनुभव की कसौटी से कसने के बाद जब उन्हें यह उचित लगा कि मार्क्स का सिद्धांत बिल्कुल उचित है और समाज में सभी प्रकार का शोषण बंद होना चाहिए, शोषण मुक्त समाप्त समाज की स्थापना होनी चाहिए, समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए जहाँ ना कोई अमीर हो ना गरीब हो, कोई शोषक ना हो, कोई शोषित ना हो, इसको अपनाने के बाद ही उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया था और अपनी कविताओं में स्थान दिया था। सौंदर्यानुभूति और जीवनानुभूति है ना, काव्य का जो सौंदर्य होता है उसको क्या चाहते थे कि किस टाइप की सौंदर्यानुभूति महसूस करते थे और जीवन के प्रति उनकी अनुभूति कैसी थी। जिन दिनों मुक्ति बोध ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उन दिनों प्रगतिवादी विचारधारा के विरुद्ध नई कविता और नई समीक्षा ने मुहिम छेड़ रखी थी। जब इन्होंने लिखना शुरू किया उस समय जो नई कविता आई और नई समीक्षा आई, इन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ रखा था। ये लोग कला की स्वायत्तता के नाम पर कविता को जीवन और समाज से काटकर कविता को कवि केंद्रित करने के अक्षर थे, पक्षधर थे। नई कविता और नई समीक्षा का कहना यह था कि कविता का समाज से और जीवन से कोई संबंध नहीं है, यह कवि की व्यक्तिगत अनुभूति होती है। मतलब कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट से, कला सिर्फ कला के लिए होती है, उसको कोई सामाजिक उसके सरोकार नहीं होते, आम जिंदगी से कोई सरोकार नहीं होता, यह उनका मानना था। मुक्ति बोध को इनकी मान्यता के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था का एक गहरा षड्यंत्र दिखाई दिया। मुक्ति बोध को लगा कि ये पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये कवि समीक्षक कलाकार कवि को अपने व्यक्तित्व में ही नहीं वरन समाज से भी पूरी तरह काटने की गहरी साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वे कह रहे थे कि एक विशेष क्षण में कवि को जो अनुभूति हुई है उसमें बंद कर उसे कविता लिखनी चाहिए, वह केवल कवि है, रचनाकार है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं। तो नई समीक्षा और नई कविता के जो रचनाकार थे उनका यह मानना था कि किसी कवि को किसी विशेष क्षणों में जो व्यक्तिगत अनुभूति होती है उसी अनुभूति को उसे अपने कविता में व्यक्त करना चाहिए, उसका समाज से या जनसाधारण की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह मुक्ति बोध को ऐसा लगा यह न केवल कवि को समाज से काट देना चाहते हैं बल्कि
उनके प्रति दायित्वों को भी खत्म कर देना चाहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, इसलिए समाज के प्रति भी उसका कोई दायित्व है। लेकिन ये लोग कवि को समाज से अलग कर देना चाह रहे थे। उनका कहना था कि आम जिंदगी से, समाज से इनका कोई लेने देना नहीं है। इनकी मान्यता थी कि जीवनानुभूति, सौंदर्यानुभूति या कलात्मक अनुभूति दो अलग अलग चीजें हैं। इनका कहना था कि व्यक्ति की जीवनानुभूति अलग चीज है जो स्वयं अपने जीवन में वह अनुभव करता है, सौंदर्यानुभूति अलग चीज है, सौंदर्यानुभूति जो हम आसपास की चीजों में जो सौंदर्य देखते हैं, और कलात्मक अनुभूति किसी कला का सृजन करते समय, कोई चित्र बनाते समय, या कला को किसी किसी चीज को देखते समय, पढ़ते समय जो हमकी कलात्मक अनुभूति होती है, यह सारी चीजें अलग अलग हैं। मुक्ति बोध ने इस विचारधारा का विरोध किया। मुक्ति बोध का यह मानना था, उन्होंने कविता का जीवन से अटूट संबंध बताया। उन्होंने कहा कि कला या कविता जीवन की समस्याओं से अलग अलग रहकर न अस्तित्व में आ सकती है और न ही जीवन बन सकती है। मतलब जब तक कला में जीवन आम जिंदगी का वर्णन ना हो, समाज का वर्णन ना हो, तब तक उस कला में कोई जीवन नहीं आ सकता, कला जीवंत नहीं हो सकती। कवि एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज की समस्याओं से प्रभावित होता है, अतः कवि का व्यक्तित्व जो होता है सामाजिक होता है। सौंदर्यानुभूति जीवनानुभूति का ही परिवर्तित रूप है। जो सौंदर्य की जो अनुभूति होती है, वह हमारी जिंदगी के जो जीवन की अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति है, उसका ही परिवर्तित रूप है। इन दोनों का सार रूप एक ही है, फिर भी दोनों में भेद है। सौंदर्यानुभूति आत्मबद्ध नहीं होती और वह सभी व्यक्तियों को आनंद प्रदान करती है। सौंदर्यानुभूति क्या होती है? जैसे आप ताजमहल देखने गए तो ताजमहल देखने वाले हर व्यक्ति को उसमें सौंदर्य के दर्शन होते हैं, उन्हें वह बहुत खूबसूरत लगता है। तो यह क्या है? सभी व्यक्तियों को आनंद प्रदान करती है। लेकिन जीवनानुभूति क्या होती है? जीवनानुभूति आत्मबद्ध होती है। एक व्यक्ति की अनुभूति होती है, वैयक्तिक अनुभूति होती है, जो जीवन की अनुभूति है, अनुभूति होती है। इसमें व्यक्ति अपने वैयक्तिक राग द्वेष से बंधा रहता है। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के सुख दुख राग द्वेष से बंधा रहता है। जीवनानुभूति जब विशिष्ट ना होकर सामान्य बन जाती है, जब कवि अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति में बदल देता है, जब उसकी व्यक्तिगत पीड़ा सबकी पीड़ा बन जाती है, तभी वह कलात्मक अनुभूति बनती है, जिसको हम जो हमारा काव्य वो है काव्य सिद्धांत है, भारतीय काव्य सिद्धांत में जिसको हम साधारणीकरण कहते हैं। तो जब कवि की जो वैयक्तिक अनुभूति है, जब सारे समाज की अनुभूति बन जाती है, मतलब कवि के हृदय में जो पीड़ा है, जो सुख है, दुख है, उसकी कविता को पढ़ने के बाद आम लोगों के मन में भी वही दुख, वही सुख, वही पीड़ा जब जन्म लेने लगे, अर्थात कवि की अनुभूति व्यक्तिगत अनुभूति न रहकर सामाजिक अनुभूति बन जाती है, तब वह कला की अनुभूति बन जाती है। तब उसकी कला में जो खूबसूरती है, उसको सभी लोग उसको महसूस करने लगते हैं। कलाकार के निजी अनुभव और संवेदनाएं सामाजीकृत होने के बाद ही कविता का विषय बन पाते हैं। किसी कलाकार के जो निजी अनुभव है, जो उसके संवेदनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसका जब साधारणीकरण हो जाता है, सामाजिकृत हो जाता है, तभी वह कविता का विषय बनता है और तभी उसे लोग पसंद करते हैं और लोगों की जिंदगी में वह कुछ परिवर्तन ला पाता है। अब कवि की प्रतिबद्धता, कवि का कमिटमेंट क्या होना चाहिए, उनका क्या दृष्टिकोण है कि कवि की प्रतिबद्धता किन चीजों के प्रति होनी चाहिए, उनका स्वयं की प्रतिबद्धता किन चीजों के प्रति थी। मुक्ति बोध कलाकार या कवि के प्रतिबद्ध होने या पक्षधर होने का विरोध नहीं करते। वे कहते हैं किसी न किसी चीजों का तो हम पक्ष धारण करते हैं, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, या फिर जो भी हमारे कोई धार्मिक धार्मिक हमारी आस्था हो, किसी न किसी किसी पंथ के हम पक्षधर होते हैं। कोई कबीर को मानता है, कोई तुलसी को मानता है। पर यह प्रतिबद्धता शोषित उत्पीड़ित विश्व जनता के उद्धार के प्रति होनी चाहिए। मतलब हमारी प्रतिबद्धता किसी भी सिद्धांत के प्रति हो, किसी भी नेता के प्रति हो, किसी भी हमारे जो पुराने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके प्रति हो। लेकिन क्या होना चाहिए? सभी की प्रतिबद्धता यह होनी चाहिए कि शोषित और उत्पीड़ित जनता का उद्धार होना चाहिए, इससे उसे शोषकों का विरोध करना चाहिए तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मतलब हमारी विचारधारा चाहे जो भी हो, शोषकों का हमको विरोध करना चाहिए और शोषितों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। उनके अनुसार आत्ममुक्ति के लिए जन मुक्ति तथा आत्मविश्वास के लिए जीवन का विकास पहली शर्त है। मतलब यदि हम अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, तो हमें समाज में रहने वाले लोगों को भी मुक्ति प्रदान करना होगा। जन मुक्ति तथा आत्मविश्वास के लिए जीवन का विकास पहली शर्त है। जब हमारी जिंदगी विकसित होगी, जब हम आगे बढ़ेंगे, तब उसे हमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। रचनाकार के लिए मानवतावादी होना जरूरी है। मानवतावाद होना चाहिए, मतलब मानव के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए उनके प्रति। वह लिखते हैं, क्या लेखक के लिए यह परम आवश्यक नहीं है कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे
और आज की उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो और उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सहानुभूति रखे। तो लेखक का यह दायित्व है कि वह जनता के उत्कर्ष को देखे, अभ्युत्थान को देखे, उनकी उन्नति को देखे और आज की जो उत्पीड़न करने वाली जो शक्तियां हैं, जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, जो शोषक शक्तियां हैं, उनके प्रति सचेत हो और जो इन ताकतों के प्रति विद्रोह करते हैं, जो क्रांति करते हैं, शोषकों के प्रति जो विद्रोह करते हैं, पूंजीवादियों के विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं, है ना, तो विद्रोह करने वाली जो ताकतें हैं, जैसे जब मजदूर वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, दमित हैं, दलित हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखे। यह कवि की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कवि का कमिटमेंट होना चाहिए। कविता और राजनीति में क्या संबंध होना चाहिए, मतलब मुक्तिबोध के अनुसार कविता और राजनीति का क्या संबंध है? यदि जीवन रथ है, यदि हम अपने जीवन की कल्पना करें कि जीवन एक रथ है, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां उस रथ के अश्व हैं। तो सामाजिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां उस रथ के घोड़े हैं और अश्वों को नियंत्रित करने वाली, उन्हें दिशा देने वाली वल्गा जिस सारथी के हाथ में है वह है राजनीति। और इन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है वह राजनीति है। वल्गा मतलब होता है जिससे रस्सी से बंधा होता है घोड़ा, जिससे जिसको खींचता है, जो सारथी होता है जिस रस्सी को खींचता है उसको बोलते हैं वल्गा। एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, यह संस्कृत का वर्ड है वल्गा। वल्गा मतलब वो रस्सी जो घोड़े से बंधी रहती है, यानी उस रस्सी को रोकने के लिए, चलाने के लिए जो सारथी है वह उसको खींचता है ऐसे। तो वल्गा जी, जैसे भगवान जो कृष्ण है, वह गीता में आपने पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, घोड़ा को वल्गा से खींचते थे, उन्हें दिशा देने वाली वल्गा जिस सारथी के हाथ में वह राजनीति। तो ये घोड़े कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां घोड़े हैं और इनको नियंत्रित कौन करता है? राजनीति। आज के संघर्ष, उन्हें दिशा देने वाला जिस सारथी के हाथ में, सारथी कौन है? राजनीति है वह सारथी जो नियंत्रित कर रहा है। आज के संघर्ष में जीवन में राजनीतिक हलचल ही सब कुछ निर्धारित करती है। आज का हमारा जो जीवन है उसको निर्धारित करने वाली जो प्रमुख शक्ति है, राजनीतिक शक्तियां हैं। कौन सी पार्टी सत्ता में है, निश्चित रूप से हमारे जीवन को शासित भी करती है, नियंत्रित भी करती है। मुक्तिबोध इस तथ्य से परिचित थे, अतः उन्होंने कला या कविता तथा राजनीति के संबंधों पर विचार किया है। इसलिए वे कला और कविता का राजनीति के साथ क्या संबंध है, इस पर भी उन्होंने विचार किया। उनका कहना है, एक कला सिद्धांत के पीछे एक जीवन दृष्टि होती है, उस जीवन दृष्टि के पीछे एक जीवन दर्शन होता है और उस जीवन दर्शन के पीछे आजकल के जमाने में एक राजनीतिक दृष्टि लगी रहती है। मतलब प्रत्येक जो कला के जितने भी सिद्धांत हैं, कला कला के लिए, है ना, कला समाज के लिए जो भी सिद्धांत हैं, उनके पीछे एक जीवन दृष्टि होती है, उस जीवन दृष्टि के पीछे एक जीवन दर्शन होता है। मतलब हमारी एक दृष्टिकोण, हमारा एक दृष्टिकोण होता है, जिंदगी का जो दृष्टिकोण होता है, जीवन दृष्टि, एक जीवन दर्शन होता है, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है, है ना, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और उस जीवन दर्शन के पीछे आजकल के जमाने में एक राजनीतिक दृष्टि लगी रहती है और इन सब के पीछे क्या होता है, एक राजनीतिक दृष्टि होती है। मतलब हम किस राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं, यह दृष्टि लगी रहती है, यह नियंत्रित करती है। वह जानते हैं कि विश्व दो परस्पर विरोधी शिविरों में विभक्त है, है ना, एक शोषक और एक शोषित, और वे संघर्षरत हैं। मार्क्सवाद के अनुसार शोषक और शोषित वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए तत्पर और सक्रिय रहते हैं। एक शिविर है शोषकों का और दूसरा शिविर है शोषितों का। एक है पूंजीवाद जो शोषक वर्ग है और दूसरा है समाजवाद जो शोषित लोग हैं, वो समाजवाद चाहते हैं। हिंदी के प्रगतिवादी कवि समाजवाद के शिविर से जुड़े हैं और नई कविता के लेखक पूंजीवादी शिविर से। तो उनके अनुसार जो प्रगतिवादी कविता है वह समाजवाद से जुड़ी हुई है और जो नई कविता है वह पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित है। कविता को राजनीति से निसंग रख और अप्रभावित रखना बहुत ही कठिन है। मुक्तिबोध का यह मानना है कि जिस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं वे कविता को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कविता हो वह राजनीति से बिल्कुल भी अप्रभावित रहे, निसंग रहे। नई कविता के पक्षधरों ने प्रगतिवादियों पर यह आरोप लगाया था। नई कविता वाले क्या आरोप लगाते हैं प्रगतिवादियों पर? कि वह समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, कि प्रगतिवाद जो है समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं कवि, और कविता को राजनीति के कीचड़ से मलिन कर रहे हैं, जो अनुचित है। नई कविता वालों का कहना था कि आप जो कविता को ना, प्रगतिवादी लोग राजनीति के कीचड़ से गंदा कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। लेकिन मुक्तिबोध सर्वहारा का पक्ष लेकर साहित्य सृजन करना और राजनीति को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। लेकिन मुक्तिबोध का यह कहना है कि सर्वहारा वर्ग को यदि हमको उनका हित दिलाना है, जो शोषितों का उनका जो शोषितों का उनका जो वो दिलाना है ना, जो भी उनको चाहिए समाज में, उनका हक दिलाना है,
शोषितों को जो हक दिलाना है, सर्वहारा वर्ग को यदि हमको हक दिलाना है, तब इसके लिए काव्य में राजनीति लाना भी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने दृष्टिकोण का विवेक सम्मत प्रयोग कर राजनीतिक चेतना को अपनाने का आग्रह किया है और अपनी कविताओं को अधिकाधिक राजनीतिक तेवर प्रदान किए। इसीलिए वे कहते हैं कि कविता और राजनीति का चोली दामन का संबंध है। कभी भी कविता जो है राजनीति से अलग नहीं रह सकती, लेकिन राजनीतिक विचारधारा को अपनाने के पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए कि वह हमारी मानसिकता से, हमारे दृष्टिकोण से मैच करता है कि नहीं करता है। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण कविताओं में उनका राजनीतिक सामाजिक रुझान प्रतिबिंबित होता है। तो उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण कविताओं में उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और उनका रुझान प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। नवीन जीवन जीवनानुभव और नवीन जीवन दृष्टि, वे नई नई चीज़ों का अनुभव करना चाहते थे। उनकी जीवन दृष्टि रोज नई नई चीज़ों को खोजती थी। मुक्ति बोध का काव्य नई कविता की अन्यतम उपलब्धि है, क्योंकि इन्हें नई कविता और प्रगतिशील कविता का एक सेतु कहा जाता है। इन्होंने नई कविता भी लिखी है, तो इनकी कविता नई कविता की अन्यतम उपलब्धि है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वह जीवन भर नई दृष्टि, नए युग के अनुभव और काव्य की विलक्षण अनुभूतियां खोजते रहे। मतलब नई नई चीजों के ऊपर काव्य सृजन करना चाहते थे, नवीन दृष्टिकोण ढूंढना चाहते थे, नवीन युग के नए अनुभव ढूंढना चाहते थे। उनका काव्य उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। उनके काव्य में उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा जीवन प्रतिबिंबित होता है और उसमें मध्य प्रदेश के पठारी जंगलों के कवि शहर का बोध है, जंगलों के कवि का शहर बोध है। मतलब जो शहर में रहते थे जो कवि, तो शहरी जो वातावरण है उसका भी उन्होंने अपने कविता में उल्लेख किया है। तो साथ ही ऐतिहासिक खंडहरों के बियाबान में विचरण करने वाले कवि के संवेदनशील और रहस्यमय मन का प्रतिबिंब है। लेकिन वो एकांत में भी भ्रमण करते थे, कभी नदी में बावली में चले जाते थे अकेले, और बावड़ी में चले जाते थे, खंडहरों में घूमते रहते थे, एकांत जंगलों में घूमते रहते थे अकेले। तो इसका प्रतिबिंब भी दिखाई देता है उनकी कविताओं में। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष आपके उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, प्रस्तावना निष्कर्ष, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। आप जब परीक्षा में निष्कर्ष लिखते हैं तो एकदम पावरफुल होना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद जो आपका मूल्यांकन करता है वो आपको उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। तो देखिए, मुक्ति बोध का काव्य सत्य, सत मतलब सत्य चित चिति और आनंद का काव्य ना होकर सच्चित और वेदना का काव्य, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद। तो इनका काव्य सच्चिदानंद नहीं है, इनका काव्य क्या है, सत सत्य चित मतलब चित मन की भावना, और वेदना, वेदना का काव्य है। उनकी वेदना बड़ी व्यापक और बड़ी गहरी है, क्योंकि उनकी जो वेदना है, व्यक्तिगत वेदना तो है ही, साथ ही साथ जो समाज के दलित शोषित वर्ग हैं उनकी वेदना, मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग की जो वेदना है उसकी बहुत ही व्यापकता है इनके काव्य में। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी काव्य में अभिव्यक्ति ही उनकी कविताओं का अंतर्मन है। मतलब किसी व्यक्ति और समाज का क्या पारस्परिक संबंध होता है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने अपनी कविताओं में किया है, और इन इस प्रकार की अभिव्यक्ति उनके काव्य में जो हुई है वही इनकी कविताओं का अंतर्मन है, वही उनका कविता का मूल भाव है। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखन में केवल अपने अनुभूत सत्य का चित्रण किया है, अतः वैयक्तिक अनुभव की प्रामाणिकता उनकी काव्य संवेदना को अत्यंत प्रखर बना देती है। उन्होंने अपनी कविताओं में और अपने लेखन में उन्होंने जो अनुभव किया है, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव किया है उसी का उन्होंने चित्रण किया है। इसी कारण उनका जो वैयक्तिक अनुभव है प्रामाणिक है, बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, सत्य है, और यही उनकी काव्य संवेदना को अत्यंत प्रखर बना देता है, उसे बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण बना देता है हमारे लिए। मुक्तिबोध के काव्य का मानवता का इस्पाती धक्का दस्तावेज कहा गया है। मानवता मतलब मानवता के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, वह जैसे जो लोहा धक्कते रहता है ना, लोहार जैसे गर्म करता है जब लोहा को, तो जो लाल हो जाता है धक्कते रहता है, वैसे ही मानवता के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है बहुत ही ज्वलंत दृष्टिकोण है। मानवता अमर है और मानवता की धारा को आगे बढ़ाते रहना ही वह सृजनशीलता मानते हैं। उनका मानना है कि मानवता अमर है ना, आम लोग हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेंगे, सर्वहारा वर्ग हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, और वही इनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करना ही हमारी सृजनशीलता का मूल लक्ष्य होना चाहिए। जीर्ण शीर्ण पुरातन सोच के स्थान पर नवीन सामाजिक सरोकार से युक्त नवीन जीवन चेतना का प्रादुर्भाव ही उनकी कविता का मुख्य स्वर है, जो उनकी सभी कविताओं में मुखरित होता है। मतलब जो हमारे प्राचीन रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, शोषणवाद है, पूंजीवाद है, इन सब को समाप्त करके उनके बाद नवीन सामाजिक और समाजवाद की स्थापना करना है उनकी कविता का मुख्य लक्ष्य है, और यह प्राय उनकी सभी कविताओं में मुखरित होता है। तो आपको अपने उत्तर में
गजनन माता मुक्ति बोध की कविता के दृष्टिकोण और जीवन दृष्टि में यह सभी बिंदुओं को उल्लेख करना है। और यदि मेरा यह आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके बाद यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो या मेरा लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।